गजब लग रही है अब अपनी बाइक। अब सामान सामून रखने की कोई दिक्कत नहीं है। काफी पानी है भाई इस बार हमारे नाले में, देखो पसीने, देखो भाई बाजू पे कितनी गर्मी है, जेरी कैन कुछ इस तरह से लगते है हिमालयन में। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी करीब सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और आज तारीख है 24 सितंबर। तो बहुत दिनों के बाद भाई यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, ऐसा इसलिए ना क्योंकि बिजी थे अपने सीजन वगैरह के काम में, पर अब लगभग मैक्सिमम फ्री हो चुके हैं और बढ़िया से अब 10-12 दिन की हम ट्रिप मारने वाले हैं। और सीजन का काम भी जरूरी होता है भाई, इसी से ही अपनी रोजी रोटी चलती है और खर्चा भी इसी से ही आता है। बाकी अभी हम ट्रिप पे नहीं निकल रहे हैं, बस जा रहे हैं ट्रिप की तैयारी करने। थोड़ा बहुत सामान है ट्रिप से रिलेटेड, बाइक का थोड़ा सा सामान है, वो हम आज लाने वाले हैं। देखो भाई छोटे छोटे बच्चे भी सुबह सुबह स्कूल के लिए चल पड़े। बाकी दोस्तों देखो गाँव का नजारा कुछ इस तरह का है, आजकल हरियाली तो है थोड़ी बहुत। बाकी भाई ये रहे देखो निर्मल भाई जो मेरे साथ जाने वाले हैं आज, बेसिकली ये अपने दोस्त ही है, तो इनका भी मन था घूमने का, मैं कहा चल पड़ो। वैसे रहेंगे तो हम आज काफी बिजी ना, पर चलो थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। यहाँ खड़ी है भाई देखो अपनी बाइक ना, और मैं आपको नाले में पानी दिखाता हूँ एक बार। काफी पानी है भाई इस बार हमारे नाले में, देखो। ऐसा इसलिए ना क्योंकि एक हफ्ते पहले ना लगभग 15-20 दिन के लिए काफी बारिश हुई थी। बाकी जल्दी से वार्म अप करते बाइक और चलते भाई। चले आ जाओ बैठो। जय शंकर जय भगवती। बहुत दिनों के बाद राइड कर रहे हैं हम, ऐसे छोटी मोटी राइड्स तो करते हैं यहीं पे लोकल में, 2000 किलोमीटर जाते हैं भाई। बाकी आज बढ़िया से थोड़ी सी राइड होने वाली है, शायद हम चंडीगढ़ तक जाए, हमारे को सामान भी काफ़ी सा लेना है, कुछ काम सोलन में है, तो थोड़ी सी बाइक राइड भी हो जाएगी और मोटो व्लॉगिंग भी हो जाएगी बढ़िया से। बाइक में थोड़े बहुत इशू है ना, वो भी ठीक करवाने हैं और मॉडिफिकेशन करानी है। क्या मॉडिफिकेशन है चलते चलते आगे आपको बताएंगे। अभी थोड़ी बहुत हरियाली है ना, तो उस वजह से सड़क के दोनों तरफ देखो मस्त सीनरी आती है। कुछ दिनों में ये हरियाली मतलब ब्राउनिश कलर में तब्दील हो जाएगी, घास भी सूख जाएगा पूरा, क्योंकि अब जैसे बरसात रुक चुकी है ना, वैसे अब बारिश होनी नहीं चाहिए क्योंकि अब अपने को निकलना है ट्रिप पे, और ट्रिप पे अगर बारिश हो जाए ना तो मजा सारा खराब। ओ भाई साहब ऑटो अड़ाक ही आ गया था, कोई इंडिकेटर ना बात। तो दोस्तों सोलन हम पहुंच चुके हैं और आज का जो शेड्यूल है वो यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रदूषण जांच केंद्र है, देखते हैं जरा। है भाई है, बना लेते भाई पर्ची यहाँ पे ना प्रदूषण की। सुबह सुबह का ट्रैफिक जाम देख लो, स्कूल जाने वालों का, ड्यूटी जाने वालों का, 9-10 बजे के आसपास तो लगता ही है। ओ सूरी, ओ सूरी, दोस्त है वही अपना, एक यहाँ पे कॉलेज टाइम का ना ये मिल ही जाता है, इधर काम करता है सोलन में ना। और तो कोई दिक्कत नहीं है भाई ट्रैफिक में ना, जब खड़ा रहना पड़ता है ना धूप में फिर काफ़ी गर्मी लगती है, ऐसे चलते चलते गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो अपने को यहाँ से लेना है राइट मशरूम चौक से। तो भाई देखो सोलन पहुंच चुके हैं ना, यहीं पे अपने को सामने यूको बैंक में काम है। अपना है जो एटीएम है ना वो गुम हो रखा है, नया एटीएम बनवाना है और पुराने को ब्लॉक करना है। बाइक देखो हमने यहाँ पे लगा दिया ना, चलान चलून हो सकता है, पार्किंग का यहाँ पे काफी इशू है। निर्मल भाई को यहाँ पे रखते हैं और खुद अपना काम निपटा के आते भाई। तो भाई एटीएम कार्ड हमने बंद भी करवा लिया है और नया एटीएम ले भी लिया है। यहाँ पे गाड़ियों का थोड़ा सा शोर है, अभी अपने को मार्केट जाना है और मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेना है, गर्म कपड़े लेने हैं और कुछ सामान रिपेयर भी करवाना है। और मॉल रोड के नजारे कुछ इस तरह के देखो, अभी एटीएम भी हमने ले लिया है। एटीएम की बहुत जरूरत पड़ेगी भाई कैश निकालने के लिए ट्रिप पे ना, तो एटीएम अपने पास था ही नहीं, बस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से ही हम काम चला रहे थे। दूसरी दिक्कत ये है ना कि अभी मार्केट के काम निपटा लेते हैं, उसके बाद हम सीधा निकलेंगे बाइक का काम करवाने के लिए। तो मार्केट में जितने भी काम है अपने वो कर लेते हैं, क्योंकि वापस हम लेट ही पहुंचेंगे बाइक के काम में, टाइम भी लग सकता है हमारे काफी। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, बस स्टैंड में बाइक पार्क करेंगे और उसके बाद निकलेंगे मार्केट के अंदर। तो भाई सबसे पहले तो रिपेयर करवा लेते हैं जो अपना स्लीपिंग बैग के कवर फट रखी है ना और जैकेट है वो रिपेयर के लिए देते हैं ना, उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करेंगे। तो अपने को यहाँ से जाना है भाई अंदर, जो आगे दिख रही है ना आपको गली, ये है मेन गली सोलन की। तो दोस्तों हमने शॉपिंग भी कर ली है, सॉक्स और कैप लेनी थी अपने को, एक जाम जाने वाले है ना, वहाँ ठंड होगी थोड़ी सी, और जो रिपेयर के लिए देना था ना सामान सिलने के लिए, जैकेट और स्लीपिंग बैग की कवर भी हमने दे दिए। अभी जा रहे हैं जोगेंद्रा बैंक, जोगेंद्रा बैंक में अपने को थोड़ा सा काम है। भाई है ना अपने देखो निर्मल भाई, इसको भेजने हैं पैसे नेपाल,
तो वो काम वही होगा भाई। तो ये देखो भाई, यहाँ बोर्ड लगा है, यहाँ से नेपाल को पैसा भेजा जाता है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। तो भाई मार्केट के काम तो अपने सारे हो गए, अब चलते हैं बाइक का काम करवा लेते हैं। तो यहाँ खड़ी है भाई बस स्टैंड में अपनी बाइक, इस तरफ को बसेस लग रखी है देखो, और हेलमेट पहनते ही इतनी गर्मी लग जाती है ना कि पूछो मत भाई। जैसे बाइक चलाएंगे ना थोड़ा इजी हो जाएगा माहौल। बाइक की चेन आवाज कर रही है, वो चेक करवाना है। बाकी इसमें सैडल स्टे भी लगवाएंगे, थोड़ा बहुत सीट कवर भी लगवानी पड़ेगी भाई, इसकी सीट ना देखो खराब हो रही है यहाँ से। सामान तो और भी लेना था, शॉपिंग करनी थी, पर पैसे बचे की ना बचे इसलिए जो अपने जरूरी काम है ना वो निपटा लेते हैं पहले। और अभी अपन जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड के वर्कशॉप की तरफ। मैं नहीं चाहता कोई छोटी सी दिक्कत भी रहे राइड पे, क्योंकि बहुत दूर जाना है भाई अपने को। तो ये भाई वर्कशॉप रॉयल इनफील्ड की, बहुत सारी बाइक की रहती है देखो यहाँ पे। और यहाँ पे अपने को बाइक लगानी है, भीड़ काफी है आज। तो दोस्तों बाइक हमने दे दी है रिपेयर के लिए, थोड़ा सा इशू है बाइक में। अभी बढ़िया से ढाबे में लंच करेंगे, वर्कशॉप में भी लंच टाइम हो रखा है, तो यही सामने एक ढाबा है नीचे, तो चलते भाई जल्दी से लंच कर लेते हैं। तो दोस्तों अपना काम हो चुका है बाइक का, नॉर्मल सी दिक्कत थी, थोड़ा सा इसमें ऐसा था कि चेन तो अपनी थोड़ी सी गंदी हो रखी थी और बहुत टाइट थी इसलिए आवाज कर रही थी। बाकी अभी अपन जा रहे हैं चंडीगढ़, 2:30 बज चुका है, 3 बजने ही वाले हैं। तो चंडीगढ़ में अपने को काम करवाना है बाइक का थोड़ा सा, और यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा इसलिए हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, और सस्ता भी होता है काम। तो भाई अपने पास ना रॉयल इनफील्ड का नेविगेटर है इसमें, तो फाइनली भाई अपना मैप है ना वो सेट हो चुका है। तो अभी अगर आप देख पा रहे होगे ना यहाँ पे, तो अपनी लोकेशन से हम लगभग 16 किलोमीटर दूर है, और 7.2 किलोमीटर के बाद अपने को राइट लेना है। बुलटी लग दी इसमें, ये रॉयल इनफील्ड की है, 500 कंपनी हुई है। ना। तो दोस्तों चंडीगढ़ में हम एंटर कर चुके हैं, गन्ने के रस वाले भी दिखने लग गए भाई। अब वो रोड की दूसरी तरफ है, पर शायद हमारे को आगे भी मिल जाए, ऐसी गर्मी में तो गन्ने का रस पीना ही पड़ेगा। अभी भी अपनी डेस्टिनेशन लगभग 9 किलोमीटर दूर है, और हम बहुत ही खजल हो रहे हैं भाई इसमें गूगल मैप के चक्करों में, और 5 बज गए भाई, 8 बजे तो दुकानें बंद भी होती है। तो भाई फाइनली दुकान में पहुंच चुके हैं ना, और ये देखो अपने पीछे दुकान है। लग तो ऐसा रहा है यहाँ पे कि मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है कुछ। निर्मल भाई कैसा रहा सफर? निर्मल भाई ने सोचा था भाई हम पहाड़ों के रहने वाले ना इसलिए ज्यादा गर्मी लगती है भाई अपने को यहाँ पे। इन्होंने सोचा था कि घूमना फिरना होगा भाई, पर स्ट्रगल ही काफी हुआ यहाँ तक पहुँचने में गूगल मैप पर गर्मी में। तो ये लगे भाई अपने सैडल स्टे देखो, अब सामान सामून रखने की कोई दिक्कत नहीं है, काफी टाइम से लगाने थे भाई। बजट बुजट का थोड़ा सा इशू था, ग्लव वगैरह भी हमने ले लिए, गर्मी बहुत है। तो 6 बज चुके हैं शाम के, और पसीने देखो भाई बाजुओं पे कितनी गर्मी है, जेरी कैन कुछ इस तरह से लगते है हिमालयन में। ये चेक करो आप, बड़ी अमाउंट कर रखे है। सैडल स्टे ऐसे ही है जैसे अपने है ना मोटोटॉर्क के इसमें लगे हुए, अपने जाना के लगे हुए है। और ये ना भाई काफी बड़ी दुकान है, मतलब मैक्सिमम सामान यहाँ पे मिल जाता है। शाम के समय चंडीगढ़ का ट्रैफिक बहुत भयंकर हो जाता है, जहाँ 10 मिनट लगते हैं वहाँ पे 25 मिनट खर्चने पड़ते हैं। तो भाई अपन पहुँच चुके हैं 48 सेक्टर में मोटर मार्केट में, और ये देखो अपनी बाइक की जो सीट्स है ना वो निकाल दिए इसमें से, क्योंकि उसमें लगा रहे हैं हम बढ़िया सीट कवर्स। अब आए हैं ना भाई चंडीगढ़ तो काम बढ़िया करवा के जाएंगे। बाकी अपनी सीट्स का काम वहाँ पे हो रहा है देखो, स्पेशल बन रही है सीट कवर्स इसके लिए। तो भाई जल्दी जल्दी मैं आपको बताना भूल गया, देखो ये सीट कवर्स लगे, बढ़िया सीट कवर लगा दिए भाई लोगों ने, गजब लग रही है अब अपनी बाइक। अरे शॉप में अपने काम करवाया था, ठीक है भाई। भाई की शॉप है देखो सिप्रो एंटरप्राइजेस, बढ़िया आपको यहाँ पे एक्सेसरी वगैरह भी मिल जाएगी, और बढ़िया काम किया है भाई लोगों ने। टाइम लगभग 7:30 हो चुके हैं, और अब जाके हमने मेन कालका शिमला हाईवे पकड़ा है। तो दोस्तों हम सेफली पहुंच गए थे रात को, और काफी थक गए थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद राइड की। बाकी सीन ऐसा है ना कि ये वीडियो मैं एडिट करके डाल ही दूंगा शायद से, और अब अपनी ट्रिप भी शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में, और लगभग 10-12 दिन की ट्रिप होगी, तो 10-12 दिन तक वीडियोस नहीं आएगी, पर ये वीडियो मैं भी डाल दूंगा। 10-12 दिन के बाद जब मैं ट्रिप से वापस आऊंगा ना बढ़िया से एडिट करके सारी वीडियोस डालूंगा। और आज की इस वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं, और होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।